नमस्कार, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स एक और मैच का, वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। इट्स मैच 10, इट्स कमिंग फ्रॉम द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली, एंड इट्स बिटवीन द टेबल टॉपर्स खालसा वॉरियर्स एंड वैंकूवर लायंस, हु आर राइट एट द बॉटम ऑफ द टेबल। खालसा वॉरियर्स की ये टीम है, गुरमीत आज खेल रहे हैं, उम्मीद रखेंगे कि पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पिछली बार इंजर्ड थे। गगन जोगेवाल बहुत अच्छे रेडर हैं, और मंगू और युवराज जैसे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, बहुत बहुत अच्छी टीम है। और अगर आप स्टॉपिंग लाइन में भी देखें तो पिंदा जैसे प्लेयर हैं, भूपिंदर यानी नंबर 5, और वहीं गुरप्रीत यानी गोपी मान की बहुत अच्छे प्लेयर हैं नंबर 10। सब्स्टिट्यूट्स पे नजर डालें खालसा वॉरियर्स के, तो यहाँ पे भी कुछ सुपरस्टार कम नहीं है। गुरदीप जैसे प्लेयर, करणदीप जैसे प्लेयर, मनजोत, रुपिंदर, जसमनप्रीत, राजू, उनको अगर आप सब्स्टिट्यूट्स में बिठा सकते हैं यानी आपके टीम में बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। वैंकूवर लायंस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रही थी यूके की लेग, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि कुछ जो नए परिवर्तित खिलाड़ी आए हैं उसकी वजह से कुछ फायदा हो। वैंकूवर लायंस के रेडर्स में सुखबीर सिंह, ही लीड द फील्ड एज वेल एज सुचा सिंह नंबर 5, बोथ ऑफ देम वेरी वेरी एक्सपीरियंस। रमनदीप इज ऑल्सो समबडी टू लुक आउट फॉर। हैप्पी कटाला उन्हें बोला जाता है, और वो अंजुम चोपड़ा की भी बिल्कुल फेवरेट रेडर में से एक है। और रेडर्स में जुगराज, कुलविंदर, लवप्रीत, सतनाम बिल्ला अच्छे फॉर्म में थे पिछली बार, कोशिश करेंगे कि आज भी अच्छा खेले। सब्स्टिट्यूट्स पे नजर डालते हैं तो किंदा वहां पे नहीं है, यानी किंदा बिहारी पुरिया सबसे अच्छे प्लेयर, सबसे अनुभवी प्लेयर इस टीम के, आज मौजूद नहीं है, और काफी डिपेंडेंट रहेंगे कि बाकी युवा खिलाड़ी कितना अच्छा खेलते हैं। और ऑफकोर्स सुखबीर सिंह और सुचा सिंह कितना अच्छा खेल सकते हैं। मनप्रीत सिंह मनी आज के टीम में आए हैं नंबर 17, वो पहनेंगे जर्सी। तो पहली रेड इस मुकाबले की, बिल्कुल, और पहली रेड के लिए आ चुके हैं गगन जोगेवाल। गगन जोगेवाल एक बहुत अच्छे रेडर है इस टीम के लिए, और कितनी आसानी से एक पॉइंट लेके गए। अभी लगता है आज लायंस को कुछ अलग करना होगा, अन्यथा ये मुकाबले बने रहना इतना आसान नहीं। दो पार हाउस यहाँ पे भिड़ चुके हैं, रमनदीप, हैप्पी कटारा, उनके सामने सतनाम चहल। चहल ने एक और अच्छा दांव लगा लिया है, एक और पॉइंट मिलेगा खालसा वॉरियर्स को, क्योंकि 30 सेकंड के बहुत करीब आ चुके हैं। देखिए रमनदीप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड के 3 ही सेकंड दूर बचे हैं, और ये पॉइंट भी मिलेगा वॉरियर्स को। 6-0, ये तो टेनिस स्कोर लाइन लग रहा है। पर दबाएं जो अंत में जो मजा आया ना, मतलब वो था जिस प्रकार कैंची का प्रयोग किया, पहले गिरफ्त में लिया, फिर कैंची का प्रयोग किया और पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा। देखिए किस प्रकार, यहाँ पे युवराज फिर से उन्हें पकड़ने की कोशिश, सतनाम बिल्ला एक अच्छे कॉम्बैटिव से स्टॉपर है, लेकिन उनको भी कोई मौका नहीं दिया। युवा खिलाड़ी है युवराज, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, या और बहुत ही विश्वास दिखाया, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस बहुत अहम चीज है। किस प्रकार देखिए निकले, हालांकि प्रयास बहुत बढ़िया था, अंत में वो जद्दोजहद नजर आई, पर युवराज वहां पे सफल रहे और एक अंक और मिलता हुआ वॉरियर्स को, तो 10-3 से अब आगे। ये पहला क्वार्टर तो पूरी तरह से उनके नाम रहा है अभी तक, आगाज बहुत बढ़िया हुआ है, अंजाम देखना होगा कैसा होता है दबायन। और यहाँ पे काका ने फिर से प्रहार किया है रमनदीप सिंह के ऊपर, रमनदीप सिंह हैप्पी कटाला, लेकिन नथिंग हैप्पी अबाउट दिस क्वार्टर दस फार फॉर हिम। देखिए किस तरीके से उन्हें फिर से पकड़ के कोशिश कर रहे हैं कि वापस अपने पाले में पहुंच सके या नहीं। 30 सेकंड है उनके पास, 30 सेकंड के अंदर उस पाले वो एक थोड़ा सा 6 मीटर का जो एरिया है वहां तक पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे डबल टच हुआ कि नहीं, दूसरे टच के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले ही देखिए किस तरह से पकड़ लिया है। एक और बार, एक और पॉइंट मिस होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया पकड़ यहाँ पे चहल की, कोई मौका नहीं निशांत सिंह ब्रार के पास। यह बहुत ही बढ़िया पकड़, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिया शिकंजे में लिया है, एक बार फिर कैंची का प्रयोग करते हुए निकलना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन समय निकलता हुआ, और वॉरियर्स को एक और अंक मिलता हुआ। मुश्किलें बढ़ती हुई, तमाम मुश्किलें यहां पे लायंस के लिए। जी हाँ, इस बार फिर से स्टॉपर वही गुरप्रीत, गोपी मान की बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छी एंटिसिपेशन रहती है उनकी, शायद कभी कभी ये इनके स्ट्रेंथ वीकनेस में भी बदल जाती है, क्योंकि कभी कभी जल्दी कमिट कर देते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल सही प्रयास था। 12 पॉइंट का फासला, मनजोत सिंह आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और देखिए कितनी आसानी से पॉइंट लेके जा रहे हैं।
यार ये एक इनकी हाइट है, 104 का वजन है, पर बहुत ही बढ़िया इन्होंने कार्य किया अपने बाद की मंजोत सिंह गिल की। बहुत ही आसानी से वो पॉइंट दर्ज करके वापस जाते हुए बरार अब नए रेडर वैंकूवर लायंस के लिए। यहां पे मुझे लग रहा है फिर से मुश्किल, फिर से कैंची का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और दौड़ते हुए पर क्या बाहर निकाला है, इंतजार करना होगा रेफरी को। जी हां, वॉरियर्स को एक और पॉइंट मिलता हुआ, क्या बढ़िया कार्य के अंत में। पकड़ लिया है, शिकंजे में लिया, मुश्किलें बढ़ती हुई। आज तो यही कहना होगा दबायन की खा के आए ने हैं वॉरियर्स के खिलाड़ी, इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल। जो कर रहे ने पूरी तरह से तब्दील हो रहे हैं उन्होंने पक्ष, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे प्रयास उनके द्वारा। पिंदा खेड़ा इन्हें बोला जाता है, भूपिंदर सिंह बहुत अच्छे खिलाड़ी है और इनके भाई को हमने थोड़ी देर पहले देखा। हमने मैच के शुरू में भी कहा था कि वैंकूवर लायंस का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है स्टॉप लाइन में और ये आज भी देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत क्लोज मुकाबला था लेकिन पॉइंट मिला है सुखबीर को, क्योंकि उन्हें रोकने के प्रयास में भूपिंदर का पांव जो था वो दूसरे साइड में चला गया था। यह एक कप्तान है, इनको बहुत जरूरी है इनके लिए कि आगे से लीड करे। देखिए अंत में बहुत बढ़िया प्रयास किया सुखबीर ने इनका, वहां पे ऐसा लगा कि पैर लग गया था और यही कारण रेफरी ने उनको पॉइंट देते हुए अंत में बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हाथ मिलाया। जफिया 22-6 यानी 16 पॉइंट का फासला, हो सकता है लास्ट या सेकंड लास्ट रेड, शायद एक भी रेड स्टॉप नहीं कर पाए हैं आज वैंकूवर लायंस। क्या ये पहला होगा, यहाँ पे फिर से कोशिश सतनाम की लेकिन वो भी नाकामयाब, इस बार भी उनके गिरफ्त से निकल आए बड़ी आसानी से जग्गा रंधावा। दिबायन मुझे तो एक प्रश्न पूछना होगा, कैसे वापसी कर सकते हैं लायंस की टीम? मुझे तो मतलब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, राह बहुत कठिन है, कहीं ना कहीं यही इनका कैरेक्टर है, किस प्रकार वापसी करते हैं, क्या कर भी पाएंगे? मनोबल गिरता हुआ लायंस की टीम का, कुछ बहुत ही स्पेशल करना होगा। यहाँ पे गगनदीप आए हैं रेड करने के लिए, फिर से इनसाइड राइट से कोशिश की उन्हें बैकलाइन से बाहर कर दिया जाए, कर भी दिया है, पॉइंट भी जीत लिया है खालसा वॉरियर्स ने, एक और पॉइंट उनके लिए और शायद यही होगा आखिरी पॉइंट। जी हाँ, इस पहले क्वार्टर का इट हैज फिनिश्ड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर द खालसा वॉरियर्स, बहुत बहुत बढ़िया प्रदर्शन, 24-6 के स्कोर लाइन पे खत्म किया है खालसा वॉरियर्स ने। जी और खासकर रेडर्स ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया, पहला क्वार्टर समाप्त होता हुआ 24-6 का स्कोर। स्टैट्स पे नजर डालते हैं खालसा वॉरियर्स और वैंकूवर लायंस के बीच में और नंबर्स बता देंगे, पूरी तरह बयां कर देंगे सूरत हाल। 93% स्ट्राइक रेट फॉर द रेड्स, और ये मैच देखते हुए आप सबको अपना एक डेट जरूर फिक्स कर लेना चाहिए, 30th August उस दिन मुकाबला है खालसा वॉरियर्स और लाहौर लायंस के बीच यहीं पे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, दो टॉप टीमें इस वर्ल्ड कबड्डी लीग की, तो आप अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आइए स्टेडियम में, लेकिन अगर ना हो तो सोनी 6 पर देखते रहिए ये सारे मैचेस। यहाँ पे एक और पॉइंट आसानी से लेते हुए अपनी टीम के लिए जग्गा रंधावा, 20 पॉइंट का फासला, यहाँ पे फासले को तोड़ने की कोशिश खुद अकला सिंगा वहां पे और उनके सामने गुरमीत यानी टॉप स्टॉपर और उनके सामने टॉप रेडर, ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा। देखिए कैसे पकड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, 30 सेकंड है उनके पास, अभी भी बच के निकल सकते हैं। ओ गुरमीत सिंह, गुरमीत बढ़िया, गुरमीत पॉइंट लेके गए लेकिन कुलविंदर सिंह यानी कुत्ता कला सिंगा ने एक भी बार हार नहीं मानी इस पूरे मूव में, बहुत ही बढ़िया। पिछले मैच में देखने को एक बार ऐसा मिला था लेकिन इस मैच के अंदर अभी तक ये सबसे बढ़िया रेड स्टॉप, जो स्किल देखने को मिली, जो एक शार्पनेस देखने को मिली कि आप कितनी जल्दी एक गिरफ्त से निकल सकते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट। और हम देख भी सकते हैं कि कितना हैवीली स्क्रैप्ड है उनका शोल्डर, तो थोड़े इंजरी से जूझ रहे हैं। ओ यहां पे फिर से बेहतरीन स्टॉपिंग,
एक और पॉइंट मिल गया खालसा वॉरियर्स के लिए। खालसा वॉरियर्स को रोकना आज तो लगभग नामुमकिन है। करणदीप सिंह इस बार थे स्टॉपर। व्हाट अ ब्यूटी, क्या बढ़िया, सुखबीर सिंह को फिर से मात दे दी यहां पे। मैं स्कोर बोला दसना है मेरे जाने ने मेरे पहले कट पर गया। यहां पे एक और एक्साइटिंग अटेम्प्ट, एक बार फिर करणदीप की पकड़ बहुत मजबूत, कैसे बचेंगे यहां से, लेकिन फिर भी निकलने का प्रयास। सुचा सिंह ओ पाले में वापस आए कि नहीं, नहीं पॉइंट मिला है खालसा वॉरियर्स को, इंच से रह गए। आज कुछ भी ठीक नहीं होता हुआ। सुचा सिंह जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है अगर इनकी और सुखबीर की बात करें तो सबसे बढ़िया रेडर, पर आज वैंकूवर के लिए सारे ही पासे गलत होते हुए, बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, लेकिन रेफरी सिर्फ ये बोलते हुए कि देखिए ये पाला मेरा है, मेरी मर्जी, मैं किसको पॉइंट दूं। दाएं पांव के बड़े अंगूठे का नाखून अगर नहीं काटा होता तो शायद ये पॉइंट जीत जाते वैंकूवर लायंस। 35-13 यानी 22 पॉइंट का फासला, उसी फासले से हराया था पहले मैच में यो-यो टाइगर्स को खालसा वॉरियर्स ने लंदन के ओ2 अरेना में। यहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रयास और इस बार पॉइंट जीतेंगे वैंकूवर लायंस, लेकिन क्या युवराज थोड़े इंजर्ड हो चुके हैं। 35-14 वैंकूवर लायंस पिछड़ते हुए, ये कहना चाहिए कि खालसा वॉरियर्स बहुत बड़ी लीड में है। यहाँ पे एक और पॉइंट उन्हें जरूर मिल सकता है, यहाँ पे बहुत नजदीकी मामला हो जाता है बिल्कुल सेंटर लाइन के पास, लेकिन गुरदीत की पकड़ देखे, गिव अप कर रहे हैं रेसलिंग के स्टाइल में, वो टैप करना यानी सबमिट करना और ये कहना कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए स्टॉपर्स की बात करते हुए राजू को पकड़ लिया है, राजू ने गिव अप भी कर दिया है। एक और पॉइंट मिलता हुआ वैंकूवर लायंस के लिए, थोड़ी थोड़ी वापसी आती हुई इस मैच में, और दर्शक भी खुश हैं क्योंकि मुझे लगता है खालसा वॉरियर्स के ज्यादा सपोर्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वैंकूवर लायंस के लिए सपोर्ट थोड़ा कम है। तो इसी वजह से तो नहीं कि आज ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि बर्मिंघम में जब देख रहे थे तो कह रहे थे आज हम जरूर मैच जीतेंगे। कोई नहीं, वैंकूवर में भी मैचेस होने, तब तक जरूर कोशिश करेंगे कि एक या दो जीत हासिल कर ले, लेकिन बहुत लंबा लीग चलना है, ये 86 मैच कुल मिला के होने हैं फाइनल्स और प्लेऑफ्स मिला के, तो उससे पहले 84 लीग मैचेस होने हैं। एक और बार पॉइंट लेके जाते हुए रमनदीप सिंह, आज देखने को नहीं मिला है, वैंकूवर लायंस ने एक या दो बार ऐसा किया है कि दो लगातार पॉइंट जीते हैं, ऐसा एक बार और करना है और एक लंबे सीक्वेंस में करना है, अगर कर पाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ही दूसरे क्वार्टर की भी समाप्ति हो चुकी है और दूसरे क्वार्टर के बाद भी खालसा वॉरियर्स का दबदबा पूरी तरह से कायम है। 18 पॉइंट से आगे थे पहले क्वार्टर के बाद और 18 पॉइंट से ही आगे है दूसरे क्वार्टर के बाद भी, क्योंकि जहां वैंकूवर लायंस ने 20 पॉइंट हासिल किए हैं वहीं खालसा वॉरियर्स के 38 है। So the half time score line here 38-28 favor of the Khalsa Warriors.